Hi guys, welcome or welcome back to exam hour. How are you all doing? I hope all of you are doing great. All of you fine and safe. आज हम discuss करने वाले हैं how to prepare for C 2023. तो यहाँ पे मैं आपको देने वाली हूँ पूरी one year की strategy. कैसे आपको सब कुछ करना है कैसे सब कुछ क्या है तो ये एक स्टेप बाय स्टेप गाइड होगी बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप गाइड देने वाली हूँ यहाँ पर मैं आपको ठीक है यहाँ पे हम बुक्स के बारे में बात करेंगे टाइम मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे कि भाई आपके बोर्ड एग्जाम्स भी हैं बोर्ड एग्जाम्स के साथ साथ आप कैसे कर सकते हो क्या चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है तो एक बहुत ही बढ़िया सेल्फ स्टडी गाइड है अगर आप चाहते हो कि भाई मुझे कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं ज्वाइन करना या कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना भी है तो खुद से भी आपको सब कुछ पता होना चाहिए कि क्या कैसे करना है आपको सेल्फ स्टडी करनी ही पड़ेगी चाहे आप कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर रहे हो या नहीं कर रहे हो तो डिस्कस करेंगे सब कुछ स्ट्रेटेजी हूं तो तो लेना है वो लेना है विच कोर्स फ्रॉम विच यूनिवर्सिटी कौन से कोर्सेज आपको करने से यूनिवर्सिटी से आपको करने हैं सी स्मर्थ की वेबसाइट पर जाइए वहां पर यूनिवर्सिटी का ऑप्शन दिया हुआ है ऊपर ही यूनिवर्सिटी का ऑप्शन दिया हुआ है उस पर क्लिक करिए

कौन से सब्जेक्ट्स आपको लेने चाहिए ताकि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के मैक्सिमम कोर्सेज में अप्लाई कर सको नॉट ओनली दिल्ली यूनिवर्सिटी बाकी सब यूनिवर्सिटीज में भी अगर आप वो वाला कॉम्बिनेशन लेते हो तो आप अप्लाई कर पाओगे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कर लेना तो ये ये करना आपकी ड्यूटी है डोंट डिपेंड ऑन आपके लिए करेगा आपके अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपके पास इंटरनेट है आपके पास डिवाइस है जिसके थ्रू आप सब कुछ सर्च कर सकते हो तो ये दो स्टेप्स आपको करने हैं और अपने प्लानर में नोट करना है ओके चेकआउट सिलेबस सिलेबस चेकआउट करो देखिए आपको सीयू टी समर्थ की वेबसाइट पे सिलेबस भी मिल रहा है उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट के सिलेबस अपलोड किए हुए हैं जो सब्जेक्ट्स के लिए आपको सी यू टी का पेपर देना है उसके लिए सिलेबस भी चेक करिए ठीक है और आपको क्या मेक शॉप करना है वैसे तो उन्होंने कहा है कि ट्वेल्थ की एन ही पढ़नी है बट कुछ सब्जेक्ट्स के लिए सिलेबस थोड़ा डिफरेंट है तो आपके पास होनी चाहिए वो सब्जेक्ट की एनसीआर फिर आप चेक करो क्रॉस चेक करो कि क्या सिलेबस सेम है या गलत है अगर आपके पास अभी उस सब्जेक्ट की एन नहीं है तो एनसीआर के पी डी NCERT की वेबसाइट CBSE की वेबसाइट पे बहुत इजीली अवेलेबल है वहाँ जाइए डाउनलोड करिए NCERT की बुक एंड देन क्रॉस चेक ठीक है सिचुएशंस देख लेते हैं कि क्या-क्या सिचुएशंस -क्या हो सकती हैं जो आपके रिक्वायरमेंट्स बन रही हैं ठीक है एक तो सिचुएशन uh, है कि सेम डोमेन सब्जेक्ट्स एट स्टार्ट ऑफ योर ट्वेल्थ बोर्ड कि आप जो ट्वेल्थ बोर्ड में यू you नो know, जिन सब्जेक्ट्स के लिए पढ़ रहे हो वो ही सेम है जो डोमेन सब्जेक्ट्स आपको पिक करने हैं कुछ डिफरेंट नहीं है तो आपको क्या करना है स्टडी द सब्जेक्ट प्रॉपरली वेन टॉट एट स्कूल जब आपको स्कूल में पढ़ाया जा रहा है सब्जेक्ट मेक श्योर आप अच्छे से उसको पढ़ रहे हैं अगर स्कूल के अंदर एनसीआर की बुक नहीं यूज करी जा रही मे बी आप किसी और स्टेट बोर्ड uh, के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं आई से है या कुछ भी एक्स वाई जी या फिर स्कूल वाले कोई और बुक ही पढ़ाते हैं नॉर्मली तो आप अपनी खुद से एनसीईआरटी लेकर आइए और वर्ड टू वर्ड एनसीआरटी भी पढ़ें घर पर ठीक है उसके बाद मेकिंग नोट्स इन द बुक और सेपरेटली मेकिंग नोट इज वॉट इज इंपॉर्टेंट देखिए नोट्स आपको इस टाइम पे अगर आप नोट्स बना लेंगे अगर आपको लगता है मेरे पास अच्छा टाइम है तो आप अलग से अलग नोटबुक में नोट्स बना सकते हैं बट अगर आपको लगता है मेरे पास अच्छा टाइम नहीं है तो आप एनसीआरटी में नोट्स बनाइए बट नोट्स बनाने बहुत जरूरी है बिकॉज ये आपके रिविजन में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे ठीक है ना तो हमें क्या करना है वर्ड टू वर्ड एनसीआर पढ़नी है और उसके बाद सेकेंड क्या करना है नोट्स बनाने चाहे तो बुक में चाहे अलग से और फिर हमने एम प्रैक्टिस करने हैं अब एम सी से प्रैक्टिस करें देखो सी यूटी -E जो है वो एक नया एग्जाम है बट आपको पता है कि तीन से चार महीने में मार्केट भर जाएगी विद बुक्स सीईटी -E के एमसी रिलेटे, से रिलेटेड डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट से रिलेटेड तो तब हमारे पास बहुत टाइम होगा तो अभी हमें क्या कर लेना चाहिए अपनी पूरी की पूरी थ्योरी अच्छे से पढ़ लेनी चाहिए एंड देन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एग्जाम आर को प्लीज प्लीज सब्सक्राइब करें आई एम गोइंग टू टेल यू आई एम गोइंग टू बाई द बुक्स मैं एनालाइज करूंगी आपके लिए एंड आई टेल यू कि कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक बेस्ट रहेगी ठीक है ना तो 2023 वालों के पास अभी टाइम है तो आपने एनसीईआरटी की वर्ड टू वर्ड लाइन पढ़ लेनी है जो जो सब्जेक्ट का एग्जाम आपको देना है इट कम्स टू डोमेन और हर रोज आप ट्राई करिए देखिए जून की छुट्टियाँ आने वाली हैं ठीक है ट्राई करिए कि हर रोज वन आर देकर आप सबसे पहले फटाफट से सिलेबस खत्म कर दें एंड सिलेबस खत्म करने के बाद रिविजन और प्रैक्टिस पर ही आ जाए ताकि आप टेंशन फ्री हो जाए अपना सिलेबस खत्म कर कर उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए अगर आपकी सिचुएशन ऐसी है ये थोड़े कम बच्चों की होगी बट फिर भी हो सकती है कि आपका कोई डोमेन सब्जेक्ट ऐसा है या सारे डोमेन सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपकी ट्वेल्थ क्लास में नहीं है तो आप क्या करोगे ऑब्वियसली बाइंग ट्वेल्थ एनसीआर फॉर दैट सब्जेक्ट सिलेबस क्रॉस चेक करना बहुत ज़्यादा जरूरी है वन टू टू आवर्स आप डेली दोगे टू द सब्जेक्ट फॉर टू मंथ्स में खास टू आवर्स में कोई भी सब्जेक्ट का जो मर्जी हो आप टू मंथ्स के अंदर कवर कर सकते हो एन उसके बाद आप uh, करोगे अपना मेकिंग नोट्स ठीक है यहीं पर ही है दो महीने के अंदर जो आप टू आवर्स दे रहे हो इसमें आप नोट्स बनाओगे प्रैक्टिस करोगे और फिर रिवाइज एंड प्रैक्टिस करते रहोगे ठीक है और और यही सब कुछ रिपीट करोगे अगर मोर देन वन सब्जेक्ट ऐसा है जो आपका बोर्ड्स के साथ सेम नहीं है और सी के लिए आप वो अलग से दे रहे हो ओके दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए बहुत कोर्सेज के लिए इट इज इंपॉर्टेंट कि आपके डोमेन सब्जेक्ट्स हैं प्लस आपको लैंग्वेज और भी यूनिवर्सिटीज में लैंग्वेज टेस्ट सबने मोस्टली इंपॉर्टेंट मतलब उन्होंने कंपलसरी किया है तो अगर डोमेन प्लस लैंग्वेज है तो आप अपने स्टडी स्लॉट्स कैसे बनाओगे टाइम मैनेजमेंट कैसे करोगे मैंने ऑलरेडी बता दिया कि आपको डोमेन सब्जेक्ट कैसे पढ़ने हैं ठीक है ना अगर आपके बोर्ड एग्जाम्स के साथ वाले हैं विदाउट बोर्ड एग्जाम्स हैं तब भी बता दिया मैंने आपको ठीक है से, आपको सेल्फ स्टडी स्लॉट्स बनाने होंगे जैसे वन टू टू आवर्स आपके पास दो वेज हैं सेल्फ स्टडी स्लॉट्स बनाने के लिए ठीक है ना एक तो यह है कि आप हर रोज एक घंटा डोमेन सब्जेक्ट पढ़ो एक घंटा लैंग्वेज का सब्जेक्ट पढ़ो दूसरा यह है कि दो महीने आप दो घंटे हर रोज डोमेन सब्जेक्ट पढ़ो और जब डोमेन सब्जेक्ट्स खत्म हो तो आप को दो घंटे लैंग्वेज तो 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 को उठाओ और खत्म कर दो क्योंकि आपको पता है कि स्कूल के अंदर आपके जो डोमेन सब्जेक्ट्स है वो कवर हो जाएंगे बट अगर अलग है तो ऑब्वियसली आपको हर रोज दो दो घंटे देना पड़ेगा लैंग्वेज कंप्लीट करो और फिर डोमेन सब्जेक्ट्स कंप्लीट आपको करने पड़ेंगे राइट right, तो ऐसे आप टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं अगर आप जानना चाहते हैं कि आपको लैंग्वेज टेस्ट के लिए कैसे प्रिपरेशन करनी है तो उसके लिए मैंने एक स्पेसिफिक वीडियो करी हुई है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा अगर आपका जो सब्जेक्ट है वो इंग्लिश लैंग्वेज का है तो उसके लिए एक पर्टिकुलर वीडियो है और बाकी सब लैंग्वेज के लिए कैसे प्रिपेयर करना है उसके लिए भी वीडियो किया हुआ है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना आपको लिंक मिल जाएगा अब अगर आपकी सिचुएशन ये है कि आपको डोमेन लैंग्वेज और जनरल टेस्ट की डोमेन सब्जेक्ट की एक लैंग्वेज की और जनरल टेस्ट की प्रिपरेशन करनी है बहुत सारे बच्चों की ये सिचुएशन होगी

टी में अच्छे धमाल मचानी है तो यहां पे मिनिमम मिनिमम आपको 2.5 पॉइंट आर या फिर थ्री आवर्स आपको देने पड़ेंगे किसको सी की प्रेपरेशन को अगर हम डोमेन सब्जेक्ट्स की बात करें देखिए इसमें दो सिचुएशंस बनती हैं एक तो कि सेम है जो आप स्कूल में पढ़ रहे हो वो ही सब्जेक्ट आपके सी यू टी के तो आप स्कूल में उसको अच्छे से पढ़ें बट मेक श्योर करें कि वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट के एनसीआर बुक आप जरूर पढ़ रहे हैं और उसमें आपने नोट्स बुक में ही बनाए हुए हैं या सेपरेटली आपने नोट्स बनाए हुए हैं और जब ये सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है तो स्पेशल फोकस दीजिए इफ़ नॉट कम्प्लीट इफ़ नॉट सेम डोमेन कम्प्लीट डोमेन सब्जेक्ट्स फर्स्ट तो पहले डोमेन सब्जेक्ट्स कम्प्लीट कर लीजिए अपने खुद से और हर रोज अगर आप टाइम देंगे डोमेन सब्जेक्ट्स को तो आप बिल्कुल बिल्कुल जितना टाइम आपके पास है उसके अंदर आप कर पाएंगे बट मेक श्योर कीजिए कि हर रोज दो से तीन घंटे नहीं दे सकते मिनिमम टू आवर्स तो आप दे ही दें टू ईयर सब्जेक्ट चाहे आप वन आवर न्यूज पेपर को दे दें और वन आवर किसी भी सब्जेक्ट को तो अगर आप हर रोज थोड़ा 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 पढ़ लेंगे बाई द एंड ऑफ इट आप पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर पाएंगे बात करते हैं करंट अफेयर्स की देखिए करंट अफेयर्स के लिए रीड द हिंदू और हियरिंग द एनाइसिस एवरी डे ऑन एग्जाम आयर एट सिक्स पी एम तो एग्जाम एयर पे मतलब ये चैनल जिसपे आप वीडियो देख रहे हैं इसके ऊपर हर रोज सिक्स पी एम पे मैं खुद आपका एनालाइसिस करवाती हूँ तो वो आप देख सकते हैं ठीक है ना तो उसके अंदर क्या है देखिए आपको अगर करंट अफेयर्स अच्छे से करने हैं तो उसके लिए नोट्स होने चाहिए बिकॉज करंट अफेयर्स एक बार पढ़ने पर नहीं याद होंगे आपको बार बार रिविजन करनी पड़ेगी तो अब रिविजन करनी है तो क्या करें तो दो हैं आपको नोट्स बनाने के लिए तो सबसे पहला वे तो ये है कि जो आप एनालिस सुन रहे हो दो तो हिंदू का एनालाइसिस जो मैं करवाती हूँ उसके अंदर मैं आपको ये बताती हूँ कि ये चीज़ें नोट कर लें ये इंपॉर्टेंट है तो उसमें सारे आपके प्रॉपर नोट्स जो मैं बोल रही हूँ वो आप नोट कर लोगे तो आपके बढ़िया नोट्स बन जाएंगे एक घंटे का सेशन होता है अगर आप ट्वेंटी थर्टी मिनट्स ऊपर के भी लगा के चले तो वन एंड वन एंड अ हाफ आवर्स में आपके सारे के सारे नोट्स बढ़िया तैयार हो जाएंगे ठीक है ना तो आप मेकिंग नोट्स साथ के साथ नोट्स बना सकते हैं और एक्स्ट्रा न्यूज़ में वहाँ पर कवर करवाती हूँ अपने चैनल पर जहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि ये एक्स्ट्रा है ये पढ़ लो न्यूज़ के अलावा तो ये तो मतलब आप बिल्कुल बिल्कुल एग्जाम पर डिपेंडेंट हो सकते हो ठीक है दूसरा ऑप्शन है बट आप एग्जामर पे तब डिपेंडेंट हो गए अगर आप हैंडर नोट्स बना रहे हो अपने अगर आप कह रहे हो मेरे से नोट्स नहीं बनते तो दूसरा ऑप्शन है कि द हिंदू तो हर रोज सुनो एनालिस तो हर रोज सुनो बिकॉज उससे आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होंगे बहुत बच्चों की ये प्रॉब्लम होती है कि दी हमें करंट अफेयर्स नहीं समझ में आ रहे ये बोल क्या रहे हैं हो क्या रहा है दुनिया में हमें नहीं पता तो वो अगर समझना है तो मेरे पास हर रोज छह बजे क्लास लगाओ फ्री के अंदर क्लास होती है वो आपको समझ में आएगी बिल्कुल जीरो लेवल से बिल्कुल बच्चों की तरह मैं आपको पढ़ाती हूँ ठीक है रीडिंग अ करंट अफेयर्स मैगजीन तो अगर आपको नोट्स नहीं बनाने हैंड रिटन तो आप करंट अफेयर्स मैगजीन पढ़ सकते हैं जैसे कि प्रतियोगिता दर्पण न्यूज एंड इवेंट बहुत सारी मैगजीन आती है कोई भी एक उठा लो और पढ़ने लग जाओ और उसके अंदर ही नोट्स बना लो तो आपको हैंड रिटर नोट्स बनाने की जरूरत नहीं मिलेगी आपको बने बनाए नोट मिलेंगे बट फिर भी द हिंदू पढ़ना बहुत बहुत जरूरी है से सुनना ताकि आपको न्यूज़ समझ में आए, अगर आपको समझ में आएंगी चीजें तो आप बहुत याद कर पाते हो और वहां पर भी मैं आपको बार बार ट्रिक्स देती हूँ याद करवाने की कोशिश करती हूँ तो तो भी एक ऑप्शन चूज कर सकते हैं बात करते हैं करंट अफेयर्स की देखिए करंट अफेयर्स जो है आप मिनिमम टू मिनिमम वो जनवरी 2022 से लेकर जून 2022 के तो मिनिमम की बात कर जाओगे ही जाओगे

यूपीएससी आई एस इनके एग्जाम्स के लिए वो बुक्स आती हैं आपको जो बुक पसंद आती है वो पढ़िए और मेक श्योर करिए कि आप जनवरी के लेकर जनवरी 2022 से लेकर के जून 2022 के मिनिमम एडिशन पढ़ ही ले अगर आप और पढ़ना चाहते हैं तो जून 2021 से लेकर के एडिशन पढ़ने लग जाए जनवरी ट्वेंटी टू टू जून ट्वेंटी के एडिशन तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो तो आपको पढ़ने ही पढ़ने ठीक है ना मंथली करंट अफेयर मैगजीन नोट्स प्लस रिविजन तो इसी मैगजीन के अंदर नोट्स बनाइए और यहाँ से रिवाइज करिए करंट अफेयर्स करने इजी नहीं

जाए तो उससे क्या होगा आपको थोड़ी थोड़ी थोड़ा बेसिक देखिए पहले दिन न्यूज़पेपर एनालिसिस छह बजे होता है सिक्स पी एम पे हर रोज होता है तो आपको जरूरी नहीं आप सिक्स पी एम पे आके सुनो आप सुबह उठ रहे हो तब आपके पास टाइम है आप एक दिन पिछले का पढ़ने लग जाओ कि मान लो आपके पास सुबह सेवन ओ क्लॉक टाइम है, है, तो आज जैसे आज फिफ्थ मे है ठीक है ना तो आप आप, आप आप कल को सिक्स मे को फिफ्थ का पढ़ लो और फिफ्थ मे को सुबह उठ के फोर्थ मे की न्यूज सुन लो तो न्यूज सुनना न्यूज पेपर एनालिसिस सुनना द हिंदू का जितना आप सुनोगे क्योंकि उसके अंदर मैं आपको बैकग्राउंड दे देती हूँ कि ये सीन है कि ऐसा हुआ इसलिए ऐसा हुआ तो उसमें आप को समझ पड़ती है तो यहाँ पे आपकी समझ बढ़ेगी एंड करंट अफेयर्स में आपको समझ में आने लगेगा करंट अफेयर्स बार बार रिवाइज करोगे तब भी आपको याद होगा नो no डाउट मेरे सेशंस भी प्रॉमिस करती हूँ आएंगे एग्जाम ऐप पर बट आपको खुद से भी करंट अफेयर्स पढ़नी पड़ेगी क्योंकि वही आपको मेन कॉन्फिडेंस देगी और अंडरस्टैंडिंग देगी तभी आपको याद होगा कितना रट्टा मार लोगे ठीक है प्रीवियस मंथ करंट अफेयर सेशन और एग्जाम है बिल्कुल आएंगे ये सेशन तो आपका जो मैथ्स है देखिए सबसे पहले एवरी डे जो आपको करना ही करना है वो करंट अफेयर है ठीक है ना जितना आप करंट अफेयर से भागोगे उतना आपका मतलब तो आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ती जाएंगी कम नहीं होने वाली है ये मैं आपको क्लियर कर देती हूँ ये कोई कहेगा अरे क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लेना अरे एनुअल एडिशन होता है अल्टीमेटली याद आपको करना पड़ेगा अगर हर रोज वन आवर दे दोगे तो आपकी प्रॉब्लम्स कम होंगी एज एन एल्डर सिस्टम आपको यही समझा सकती हूँ सेकेंड जो आपका सब्जेक्ट या टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है जनरल टेस्ट के लिए वो है मैथ्स ठीक है ना तो मैथ्स के लिए जो बुक आपको बाय करनी है वो है एटीन डेज wonder by एस्टन चुपचाप ये बुक बाय कर लो इवन अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कराओ उनकी बुक छोड़कर ये वाली बुक सॉल्व करना बिकॉज इसमें सब कुछ सभी फॉर्मूला सब कुछ आपको दिया हुआ है, है शॉर्टकट्स बताए हुए हैं अच्छे प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हुए हैं अगर आपने ये बुक सॉल्व कर ली ना आपका काम हो गया अगर आप हर रोज़ टू दो टू आवर्स दोगे तो टू मंथ्स में ये बुक बड़े आराम से खत्म हो जाएगी बड़े आराम से बड़े प्यार से और वन आवर एवरी डे दोगे तो टू पॉइंट फाइव मंथस में ये बुक खत्म हो जाएगी अब इसके अंदर कुछ टिप्स जो मैं आपको देना चाहती हूँ क्रिएट अ फॉर्मुला लिस्ट अपनी साइड बाई साइड एक नोटबुक में फार्मूला लिस्ट बनाते रहना ताकि आप रिवाइज कर सको बार बार ठीक है और दूसरी चीज है मार्क द क्वेश्चन दैट यू अटेम्प्टेड रॉन्ग और डिफिकल्ट ठीक है ना सो दैट जब आप रिवाइज करो फॉर्मूलाज रिवाइज करो क्वेश्चन रिवाइज करो तो ये क्वेश्चन आप इन पर्टिकुलर ज़रूर सॉल्व करो जो आपने गलत या फिर आपको डिफिकल्ट लगे थे इनको मार्क कर लो ठीक है मैथ्स हो जाएगा जब मैथ्स की बात करते हैं मैथ्स की पूरी एटीन डेज वंडर की बुक सारे टॉपिक्स आपको सॉल्व करने हैं ठीक है बट जब लॉजिकल रीजनिंग की हम बात करते हैं तो वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय आर एस अग्रवाल की बुक खरीदनी है जिसको जो टॉपिक्स मैंने पर्टिकुलरली अभी मैं आप, आपको बताऊंगी वही टॉपिक्स आपको सॉल्व करने हैं टू मंथ्स के अंदर टू आवर्स अगर दोगे हर रोज टू आवर्स दोगे तो टू मंथ टू मंथ्स लगेंगे अगर वन आवर एवरी डे दोगे इसके अंदर नोट डाउन द ट्रिक्स जब आप सॉल्व करोगे आपको कुछ ट्रिक्स पता चलेंगे तो बुक के अंदर ही ये ट्रिक्स नोट कर लेना दूसरा वही अगर रॉन्ग या डिफिकल्ट क्वेश्चन है उसको कर लेना ये ट्रिक्स भी और क्वेश्चन भी रिवाइज करोगे तो आपको अच्छा लगेगा एंड मोर ओवर जब रिविजन करोगे तो ट्रिक्स तो रिवाइज करोगे करोगे क्वेश्चन चाहे पहले सॉल्व किए दोबारा से वो सेम क्वेश्चन कुछ सॉल्व करो कर लो तो बढ़िया रहेगा लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग अगर हम लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग की बात करते हैं तो सीरीज कंप्लीशन एनोलॉजी कोडिंग डी कोडिंग ब्लड रिलेशन पजल टेस्ट डायरेक्शन सेंस टेस्ट आपके बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे टॉपिक्स आपको आर एस अग्रवाल की बुक में से मिल जाएंगे आर एस अग्रवाल की बुक बहुत ज्यादा बल्कि है बट आपको यही टॉपिक सॉल्व करने हैं ना, क्योंकि आप सीओ टी ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री में दोगे तब तक ट्वेंटी ट्वेंटी टू हो जाएगा तो ऑब्वियसली उसके बहुत सारे एनाल आपको एग्जाम आय पे मिलेंगे इसलिए एग्जाम आर को जरूर सब्सक्राइब करें बट ये वाले टॉपिक्स आई एम श्योर की पक्का होंगे क्योंकि ये बहुत ही बेसिक टॉपिक्स हैं तो अगर आप अभी लॉजिकल रीजनिंग पढ़ना चाहते हो तो ये वाले टॉपिक्स कर कर काम खत्म कर लो बात करते हैं स्ट्रैटिक जीके की तो स्ट्रैटिक जी हम बिल्कुल एंड में करेंगे जब जनरल टेस्ट की बात आती है सबसे पहले हमें हर रोज करंट अफेयर्स पढ़नी है फिर हमारे लिए मैथ्स इंपॉर्टेंट है फिर लॉजिकल और फिर हमारा आता है स्ट्रैटेक जी के स्ट्रेटिकीके के लिए एमसीक्यू की बुक आती है मनोहर पांडे की आप वो खरीद सकते हो अरिहंत की बुक आती है वैसे आप लोगों को खरीदने की जरूरत नहीं बाय द टाइम तुम्हारा पेपर देने का टाइम आएगा एम श्योर sure की प्ले जो है वो सी यू ई की बनकर तैयार हो जाएगी बिल्कुल फ्री में आपका एग्जाम आए पे कवर हो जाएगा बट फिर भी अगर बुक चाहिए तो मनोहर पांडे की बुक है हर रोज पढ़ोगे दो महीने में वो बुक खत्म हो जाएगी उस बुक में से कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स आपको कवर करने हैं स्टैटिक जीके के जो टॉपिक्स हैं वो है हिस्ट्री जोग्राफी साइंस इंडियन इकोनॉमी इंडियन पॉलिटी जिसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं फैक्ट्स रिलेटेड टू इंडिया इंपॉर्टेंट फर्स्ट ये वाले टॉपिक्स आपको कवर करने हैं अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें ठीक है ना अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो एस पी बख्शी नाम की बुक लेनी है या फिर ऑब्जेक्टिव इंग्लिश आर एस अग्रवाल दोनों में से कोई भी एक बुक खरीद लो तो बहुत बढ़िया रहेगा ठीक है वही टाइम फ्रेम इतने में हो जाएंगे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैं आपको बता रही हूँ अ लिस्ट ऑफ ग्रामर रूल्स जो कि आप बार बार रिवाइज कर सको अगर हम इंग्लिश की बात करते हैं तो कहाँ से शुरू करना चाहिए देखिए सबसे पहले मेरे अकॉर्डिंग रीडिंग कॉम्पिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है उन्होंने क्लियर कट मैंशन किया हुआ है अगेन अगर आप पढ़ना चाहते हो आप सुनना चाहते हो कि मैंने एनालाइसिस कैसे किया मैं ऐसे सिलेबस आपको कैसे बता रही हूँ कैसे एनालाइसिस किया है कहाँ पर की गाइडलाइंस दी हुई है क्या सब कुछ है तो उसके लिए सेपरेट वीडियोस की हुई है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा जरूर जरूर चेक करना ठीक है ना उसके बाद एवरीडे थिंग्स देखिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आप एक बार कर कर खत्म कर सकते हो उसके बाद सेंटेंस रीअरेंजमेंट कर सकते हो ये वाले पार्ट आप रीअरेंजिंग पार्ट्स का जो टॉपिक होगा वो सेंटेंस रीअरेंजमेंट के नाम से होगा या फिर और एंड यू कैन आल्सो कवर पैरा जंबल्स ठीक है ना ये आप कर सकते हो उसके बाद ये करने के बाद आप आ जाओ इन पे जो एवरी डे थिंग्स है मतलब जो लिस्ट याद करनी है ऑब्वियसली आप आ, हर रोज़ करोगे वोकेबलरी का सबसे बेस्ट जो मैं न्यूज़पेपर पढ़ाती हूँ उसके अंदर ही आपको मैं इंपॉर्टेंट वर्ड्स के मीनिंग बता देती हूँ तो हर रोज़ छः बजे ज़रूर आना वोकेबलरी वो गे करंट अफेयर्स भी हो जाएंगे सैनोम इंटोन की लिस्ट पढ़नी स्टार्ट कर सकते हो एस पी बख्शी से चूजिंग द करेक्ट वर्ड्स ठीक है फिर उसके बाद लर्निंग फाइव टू सिक्स न्यू वर्ड्स एवरी डे रिवाइजिंग देम ऑन वीकेंड्स न्यूज पेपर से कर सकते हो और एक लिस्ट जो है वो मैंने डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट लॉग पे शेयर किए हुए हैं वो भी आप फॉलो कर सकते हो और या फिर एस पी बख्शिया आर एस अग्रवाल में से भी कर सकते हो राइट बात करते हैं वर्बल एबिलिटी ना वर्बल एबिलिटी क्या है अगर आप इंग्लिश का सिलेबस देखोगे तो वहाँ पे उन्होंने ये वर्ड मेंशन किया हुआ है वर्बल एबिलिटी जो पीछे मैंने टॉपिक्स दिए वो उन्होंने क्लियर कट मेंशन किया हुआ है सिलेबस में बट वर्बल एबिलिटी का मतलब क्या होता है वर्बल एबिलिटी का मतलब होता है स्पॉटिंग एरर्स आ सकते हैं ग्रामर करके जानी पड़ेगी सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट टें प्रपोजिशन कर कर जाने हैं वन वर्ड सब्सिट्यूशन कर कर जाने हैं ईडियम्स एंड फ्रेजेज अगेन ये लिस्ट हैं तो टेन वर्ड्स हर रोज स्टार्ट कर लो कि अभी मैं टेन पहले ईडीएम्स कर लो फिर वन वर्ड सब्सिट्यूशन कर लो और क्या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो पता चल जाएगा क्योंकि सी यू टी ट्वेंटी ट्वेंटी टू जब होगा तब हमें पता चल जाएगा तो अभी के लिए जो मैंने पिछली स्लाइड शेयर करी है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो कवर कर लो सो भाई दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना बेल बटन पे पेट कर देना बट उससे पहले आप क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हो कॉमेंट डाउन बिलो एंड टेल मी तो ताकि मैं आपके लिए सोल्यूशन लेकर आ सकूँ दैट्स इट एग्जाम आर साइनिंग ऑफ एल सी यू सुपर सुन केयर